जनवरी से बैंकों में सर्विस चार्ज के नाम पर बंपर वसूली का वायरल सच। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर वायरल सच के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना खान। सोशल मीडिया पर वायरल एक मैसेज 20 जनवरी के नाम से डरा रहा है, क्योंकि मैसेज दावा कर रहा है कि अब तक बैंक्स जो सेवाएं आपको मुफ्त में उपलब्ध करवाते थे, उस हर सुविधा की कीमत अब चुकानी होगी। दावा है चाहे मोबाइल नंबर अपडेट करवाना हो या फिर आपको नया पासवर्ड लेना हो, हर चीज के लिए बैंक आपसे पैसे वसूलेगा और वो भी GST के साथ। ये दावा बहुत ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि इसका असर सीधे आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है। लेकिन ये दावा और दावे पर हो रही चर्चा कितनी सच है, ये वायरल सच देश को बताएगा। दावा है 20 जनवरी से बैंक में पैसे रखना और निकालना दोनों महंगा होने वाला है। दावा है 20 जनवरी से बैंक से जुड़ी हर सुविधा ग्राहक की जेब पर भारी पड़ने वाली है। सोशल मीडिया कह रहा है कि 20 जनवरी से बैंक से जुड़ी कोई भी सर्विस अगर आप लेते हैं तो अपने आप आपके अकाउंट से उस सर्विस के एवज में पैसे काट लिए जाएंगे। लोगों को डराने वाला और बैंक के ग्राहकों की मुश्किल बढ़ाने वाला ये दावा एक लंबे चौड़े मैसेज के साथ किया जा रहा है। दावा है कि सरकारी से लेकर प्राइवेट तक हर बैंक अपनी सर्विस पर बैंक ग्राहकों से वसूली करेगा। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं वायरल मैसेज में बैंक की कौन सी सर्विस पर कितना चार्ज वसूलने का दावा किया जा रहा है। सबसे ऊपर लिखा है बहुत साफ शब्दों में, बैंक से जुड़े चार्ज 20 जनवरी 2018 से लागू होंगे और जितने भी चार्ज हैं वो बिना GST के लिखे हैं, यानी GST लगने के बाद वो चार्ज और बढ़ जाएगा। ये कौन सी सेवाएं हैं जिन पर बैंक चार्ज लगेगा वो देखिए। पहला दावा, अपने खाते से अगर आप सेल्फ चेक के जरिए 50,000 तक की राशि निकालते हैं तो हर ट्रांजैक्शन पर 10 रुपए चार्ज लगेगा। दूसरा दावा, अगर आप अपने बचत खाते में 50,000 तक जमा करवाते हैं तो उसके लिए कोई चार्ज नहीं है, लेकिन 50,000 से ज्यादा की राशि जमा करवाने पर हर 1,000 रुपए पर 2.5 रुपए चार्ज किए जाएंगे। तीसरा दावा है, पहले जो पासबुक आप बिना किसी चार्ज के अपडेट करवा लेते थे अब उसके लिए भी पैसे लगेंगे। वायरल मैसेज में लिखा है हर बार पासबुक अपडेट करवाने पर बैंक आपके अकाउंट से 10 रुपए काट लेगी। अगर पहले 3 दावों को देखकर आप सोच रहे हैं कि 10-20 रुपए कोई बड़ी चीज नहीं है तो जरा चौथे दावे पर गौर कीजिए। चौथा दावा, अपने अकाउंट का हिसाब किताब जानने के लिए आप जो अकाउंट स्टेटमेंट निकालते हैं उसके लिए अब आपको 25 रुपए चुकाने होंगे। पांचवा दावा, अगर आप नए चेकबुक के लिए रिक्वेस्ट डालते हैं तो उसके लिए भी बैंक आपके अकाउंट से 25 रुपए काट लेगी। छठा दावा, अगर बैंक से डिमांड ड्राफ्ट बनवाते हैं तो बैंक ड्राफ्ट बनवाने के एवज में 25 रुपए लेगा। सातवां दावा, बैंक में पहले जो चेक आप बिना किसी चार्ज के जमा कराते थे वो नियम अब बदलने वाला है। दावा है कि हर चेक पर आपको 10 रुपए देने होंगे, साथ ही स्पीड चेक क्लियरिंग चार्ज भी बैंक आपसे ही वसूलेगा। आठवां दावा, दावे के मुताबिक चाहे मकान मालिक को किराया चुकाना हो या फिर घर पैसा भेजना हो, इन सब के लिए यदि आप NEFT, RTGS या इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर फंड ट्रांसफर के लिए अलग से पैसे चुकाने होंगे। दावा है अगर आप 2 लाख की सीमा तक जितना भी ट्रांसफर करेंगे आपको 25 रुपए पर ट्रांजेक्शन चुकाना होगा और 2 लाख से ज्यादा की राशि पर 50 रुपए प्रति ट्रांजेक्शन चार्ज लगेगा। नौवा दावा, बैंक में संपर्क के लिए आपने जो पता और मोबाइल नंबर दिया है उसको अगर आप बदलवाते हैं तो बैंक 25 रुपए बतौर चार्ज लेगी। और तो और, KYC यानी नो योर कस्टमर अपडेट करवाने पर, यानी कि पैन
आधार नंबर, घर का पता इत्यादि अपडेट करवाने पर 25 रुपए लगेंगे। दसवां दावा, दावा है अगर आप बिना बैंक जाए इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग करना चाहते हैं तो 25 रुपए और आपका पासवर्ड ब्लॉक हो गया और आप इसे अनब्लॉक करवाना चाहते हैं तो 10 रुपए की पेमेंट करनी होगी। ये मैसेज सोशल मीडिया पर पहुंचा तो बैंक ग्राहकों का दर्द झलकने लगा। सुधीर पांडे ने फेसबुक में लिखा, जो लोग बैंक से पैसा लेकर फरार हैं वो कुछ नहीं चुकाएंगे। देशवासियों, ये पैसे चुकाना हमारी जिम्मेदारी है। अब राष्ट्रहित में इतनी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। मोहित सक्सेना लिखते हैं, अच्छे दिनों का एक और तोहफा, देखिए किस तरह से बैंक 20 जनवरी से आपकी जेब काटेंगे। राम भाई मेहर ने लिखा, अब बैंक आपके पैसे पर डकैती डाल रहे हैं। मित्रों तैयार रहो, 20 जनवरी से और अच्छे दिन आ रहे हैं। लेकिन सवाल है कि क्या सच में बैंकिंग सेवाओं पर कोई नए चार्ज लगने वाले हैं या पुराने चार्ज में बढ़ोतरी होने वाली है या फिर सर्विस चार्ज के दायरे में बैंक की नई सेवाएं आने वाली है। क्या सच में RBI या बैंकों ने मिलकर कोई ऐसा फैसला लिया है जो आम आदमी की जेब पर असर डालने वाला है। क्या सच में 20 जनवरी से सरकारी और प्राइवेट बैंक ग्राहकों से सर्विस चार्ज के नाम पर वसूली के नए नियम जारी करने वाले हैं? जी, तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या 10 दिन बाद देश के सारे बैंक सर्विस चार्ज के नाम पर आपकी जेब ढीली करने की तैयारी में है? अगर हाँ तो ऐसा कौन से नियम के तहत होने जा रहा है? सीधे देश के नागरिक से जुड़े इस दावे का सच सामने लाने के लिए वायरल सच ने सोशल मीडिया पर घूम रहे इस मैसेज की पड़ताल शुरू की। पड़ताल के पहले मोर्चे पर ABP न्यूज संवाददाता जावेद मंसूरी, बैंकिंग एक्सपर्ट और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के पूर्व निदेशक रह चुके SC सिन्हा के पास पहुंचे। हम SC सिन्हा से जानना चाहते थे, क्या हर बैंक तमाम सुविधाओं के लिए एक जैसे चार्ज वसूलता है या फिर नहीं? क्या देश के सारे बैंकों के लिए एक ही सर्विस चार्ज की दर होती है या अलग अलग? क्या इस संदर्भ में RBI की भी कोई भूमिका है? देखिए, हर बैंक की अपनी अपनी कॉस्ट होती है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट है या बैंकिंग सर्विसेज कॉस्ट है, तो बैंक अपने अपने ढंग से ही चार्ज करती है। जैसे मैंने बताया आपको, फॉरेन बैंक के अलग चार्जेस होंगे, प्राइवेट बैंक के अलग होंगे, पब्लिक सेक्टर बैंक के अलग होंगे। पब्लिक सेक्टर बैंक में भी डिफरेंट ट्रांजेक्शन के ऊपर अलग अलग चार्जेस हैं। ये नहीं है कि रिजर्व बैंक को एक गाइडलाइन दे दी कि यही चार्ज आपको करना है, ऐसा नहीं है। हर बैंक अपने कॉस्ट को देखते हुए, ट्रांजेक्शन कॉस्ट को देखते हुए चार्ज करता है। अब सवाल ये था कि अगर हर बैंक कॉस्ट के हिसाब से बैंक में दी जाने वाली सुविधाओं के लिए ग्राहकों से लिया जाने वाला चार्ज तय करता है, तो वायरल मैसेज में जो दावा किया जा रहा है वो हर बैंक के लिए कैसे लागू हो सकता है? इस सवाल का जवाब ABP न्यूज संवाददाता शिशिर सिन्हा ने ढूंढा। पड़ताल के दूसरे मोर्चे पर पता चला कि वायरल मैसेज में जिन सर्विस पर चार्ज वसूलने की बात की जा रही है वो प्रस्ताव बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी वेबसाइट पर रखा है। हम सीधे बैंक ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर पहुंचे तो हमें सर्विस चार्ज के कॉलम में ये डॉक्यूमेंट मिला जिस पर लिखा था, ये चार्ज 20 जनवरी से लागू होने के लिए प्रस्तावित है। बैंक ऑफ इंडिया के प्रस्तावित सर्विस चार्ज की इस लिस्ट में वो तमाम सर्विस चार्ज मौजूद थे जिनका जिक्र वायरल मैसेज में किया गया था। अब सवाल ये है कि बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किसी से इजाजत ली या फिर उसने खुद ही यह तय कर लिया कि वो पासवर्ड अनब्लॉक करने से लेकर अकाउंट स्टेटमेंट देने तक हर सुविधा पर चार्ज वसूलेगा? तो इस सवाल का जवाब ये है कि बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक बोर्ड की मंजूरी के बाद ही इस प्रस्ताव को सार्वजनिक किया गया है। रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के मुताबिक कुछ सुविधाएं जैसे डेबिट कार्ड को छोड़ करके बाकी सभी पर चार्ज तय करने की आजादी बैंकों को मिली हुई है। तो सवाल का जवाब ये है कि बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक के निदेशक बोर्ड की मंजूरी के बाद ही इस प्रस्ताव को सार्वजनिक किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दिशा निर्देशों के मुताबिक
कुछ मामलों जैसे डेबिट कार्ड को छोड़कर बाकी मामलों में बैंक को सुविधाओं पर चार्ज तय करने की आजादी है, बशर्ते ये बात ग्राहकों को ठीक से बता दी गई हो। बैंक को अपनी सेवाओं पर चार्ज तय करने की नीति पर बैंक के निदेशक बोर्ड से मंजूरी लेनी होती है। अब सबसे जरूरी सवाल का जवाब, क्या बैंक ऑफ इंडिया 20 जनवरी से तमाम सेवाओं पर नए सर्विस चार्ज लागू कर देगा? तो इसका जवाब है हाँ। एबीपी न्यूज की पड़ताल में सामने आया कि वायरल मैसेज में पासबुक अपडेट कराने से लेकर पता बदलवाने तक के सर्विस पर जो चार्ज वसूलने का दावा है वो बैंक ऑफ इंडिया ने प्रस्तावित किया है। बैंक ऑफ इंडिया 20 जनवरी से तमाम सेवाओं पर ग्राहकों से चार्ज वसूलेगा। सुविधाओं पर नए चार्ज का बाकी किसी भी बैंक से कोई लेना देना नहीं है। अभी आप अपने बैंक के जिस सुविधा पर जो चार्ज देते हैं वो बदस्तूर देते रहेंगे, इसमें कोई बदलाव होने वाला नहीं है। इसलिए हमारी पड़ताल में वायरल मैसेज में सुविधाओं पर जो चार्ज है वो सच साबित हुए, मगर ये सिर्फ बैंक ऑफ इंडिया के लिए है